नहीं, देश की सारी जनता मिलके ईवीएम के माध्यम ईवीएम का विरोध कर रही है, क्योंकि ये सरकार किसानों से नहीं डर रही, ये सरकार जवानों से नहीं डर रही, ये सरकार बेरोजगारों से नहीं डर रही, ये सरकार आदिवासियों से नहीं डर रही, एससी एसटी ओबीसी गरीबों से नहीं डर रही, क्योंकि इनको इनके किसी के वोट नहीं चाहिए। तो एक बड़ा इशू ये है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना है। तो और इसके लिए हम लोग आए हैं कि ये सारे लोग आपस में अगर अपनी शक्ति जोड़ लेंगे तो इनको चोरों को मक्कारों को भागना पड़ेगा। एक ये भी निवेदन लेके हम आए हैं कि हम सब लोग मिलके आदिवासी एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक किसान मजदूर गरीब महिलाएं ये सब लोग मिलके आंदोलन चलाएं। ईवीएम ही अगर हट गई तो इनकी 40 सीटें नहीं आनी, और अगली बार जो सरकार आएगी वो मालिकों से यानी कि किसानों से और दूसरे नागरिकों से डरेगी और वो काम करेगी जो आप कहोगे। आखिरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि दिल्ली की जनता आपके लिए अपनी पलके बिछाए बैठी है। अगर कोई परेशानी क्रिएट कर रहा है तो वो दिल्ली की जनता को दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी और यूपी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी बॉर्डर्स पे, अभी हम दिल्ली से आ रहे हैं तो जगह जगह बॉर्डर्स पे आप लोगों के मालिकों के डर से जगह जगह बैरिकेड लगा रखे हैं, तो उससे हमें परेशानी है। किसानों के लिए तो हम एक बार आप हमें मौका दे रहे हैं, हम आपका पेट कुछ दिन का खाना खिला सकें, ये मौका हमारे पास बार बार कब आएगा। दिल्ली की जनता आपका बाहें फैला के आपका पलके बिछा के इंतज़ार कर रही है, तो किसी की उसमें बात में मत आना आप। और इसीलिए हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं, हम कानूनी मदद देने के लिए भी आपको पूरी तरीके से तैयार हैं। एक एक व्यक्ति के जो गोली लगी है, एक एक व्यक्ति जो घायल हुआ है, उसको ना सिर्फ कॉम्पेंसेशन दिलाई जाएगी बल्कि खट्टर साहब को, अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री जी तक को और यहाँ के जितने भी पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सजा दिला के जेल में भेजने का काम हम वकीलों का है, हम वो भी वादा आपसे करने आए। हम लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के अदालतों में भी और सड़कों पे भी पूरी वकील कम्युनिटी खड़ी है, क्योंकि हम भी आपके एक तरीके से उतने ही एहसानमंद अपने आप को हम आपके उतना ही एहसान मानते हैं जितना बाकी देश की जनता।